नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भाई जी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं मोटो E4 के बारे में, जो कि मोटोरोला द्वारा आता है, जो कि एक सब्सिडी कंपनी है, एक बनाई हुई कंपनी है लिनोवो के साथ में। तो इस फ़ोन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मोटो E4 प्लस बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन और पावरफुल बैटरी के साथ में आता है। कुछ लॉन्च ऑफर्स भी हैं इनके साथ में, मैं आपको बताऊँगा, और मोटो के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, और ये फ़ोन की प्राइस रेंज और सारी चीज़ें को बताऊंगा, कहाँ मिलेगा सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और देखते रहिए भाई टेक्निकल। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं, मोटो E4 के बारे में देखते हैं। ये फ्लिपकार्ट पे 9,999 रुपये में लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आज ही भारतीय बाज़ार में लॉन्च हुआ है, और आज से ही रात को यानी कि 23:59 से आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर स्टार्टिंग के लॉन्च ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, वो आपको इसी दिन मिलने वाले हैं, कल के दिन, जो कि आपको बाय करते समय मिलेंगे, और बहुत सारे तरह तरह के ऑफर्स हैं। फ़ोन के पहले बारे में बता दूँ, फिर ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। फ़ोन को लॉन्च किया गया है सबसे पावरफुल बैटरी यानी 5000 mAh की, अब तक की इनकी सबसे पावरफुल बैटरी के साथ में आता है, जो कि रैपिड चार्जिंग 10 watts के स्पीड चार्जिंग के साथ में है। कंपनी का दावा है 2 दिन आराम से आपको ये देगा। 5.5 inch की बढ़िया सी स्क्रीन है, 2.5D की कर्व ग्लास के साथ में है, और लेटेस्ट एंड्रॉयड जो है नॉगेट 7.1.1 उसके साथ में आता है। और एकदम मोटो के फ़ोन आपको पता ही है प्योर रहते हैं एकदम एंड्रॉयड के बारे में, यानी उसके ऊपर कोई कस्टम UI नहीं आती है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। 13 megapixel का फ्रंट रियर कैमरा है, और 5 megapixel का फ्रंट कैमरा है, उसके बारे में हम थोड़ा स्पेसिफिकेशन डिटेल्स में देखेंगे। फुल्ली मेटल बॉडी है, पीछे की तरफ कैमरा दिया गया है गोल, जैसे कि मोटो ई सीरीज़ में आपने देखा होगा जैसे फ़ोन आते हैं उसी तरह के फ़ोन है, मोटो E3, E4 और ये E4 प्लस में है, तो ई सीरीज़ में है। और जो हाइब्रिड सिम से परेशान है उनके लिए भी राहत की बात है, इसमें आप 32 GB का एडिशनल SD कार्ड लगा सकते हैं, और 2 SIM कार्ड आप लगा सकते हैं जो कि वर्ल्ड सपोर्टेड है, यानी जियो के सिम भी काम करेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर आगे की तरफ ही दी है, यानी पीछे देखने की झंझट ही नहीं है, और इसको आप नेविगेशन की तरह भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि नेविगेशन की जो है इनकी ऑन स्क्रीन आती है मोटो की, यदि आपको पता हो तो। फोन के ऊपर जो ये प्रीव्यूज़ वगैरह है नोटिफिकेशंस के, वो आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर, गेम्स वगैरह खेलने में काफ़ी आपको मदद करेगा। और इसके केसेस कवर्स वगैरह जो है E4 प्रोटेक्शंस के, वो भी अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, उसको आप अलग से ले सकते हैं। हालांकि इस फ़ोन में जो है जब फॉरेन में लॉन्च हुआ था तो ये जो है इंग्रेस प्रोटेक्शन 6-7 के साथ में आता था, यानी जो स्प्लैश प्रूफ वगैरह था वो, लेकिन भारतीय बाजारों में जो सीरीज़ लॉन्च हुई है वो उस तरह का नहीं है, हो सकता है प्राइस कंसर्न को रखते हुए। अदरवाइज़ मोटो के सारे फ़ोन जो है इंग्रेस प्रोटेक्शन IP प्रोटेक्शन के साथ में आता था। IP प्रोटेक्शन अगर आपको याद ना हो तो मेरे चैनल पर सर्च करिएगा, IP68 आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहा फ़ोन के बारे में ओवरव्यू, अब हम ऑफर्स की तरफ बढ़ते हैं। फ़ोन के ऑफर्स के बारे में आपको बता दें, E4 प्लस जो है इसके साथ में जो मोटो पल्स हेडसेट आता है, जो कि 1500 रुपये की कीमत है, वो आपको 650 रुपये में मिल जाएगी मोटो E4 इसके साथ में अगर आप बाय करते हैं तो। सिटी बैंक के कस्टमर है तो आपको EMI ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से 1111 रुपये पर मंथ, और टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं डिटेल में। फ़ोन ख़रीदने वालों को हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2 महीने का, जो कि कॉस्टली होता है, तो 2 महीने आप अनलिमिटेड मूवीज़, वीडियोज़ और बहुत सारी कंटेंट्स हैं हॉटस्टार प्रीमियम पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आइडिया के कस्टमर को 443 रुपये में मिलने वाला है 84 GB का डेटा, जो कि आपको 84 दिन के लिए है, और जो डेली लिमिट के साथ नहीं, आप चाहे एक दिन में ख़त्म करिए, आप चाहे 84 डेज में मिलिए। और आपको बाय बैक गारंटी ऑफर से, जो कि जैसे होता कि आपका फ़ोन यदि ये पुराना हो गया है 4-6 महीने, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन बनेगा कि 6 महीने में आप रिटर्न करिए, टर्म्स एंड कंडीशन आप जाएंगे तो आपको फ़ोन रिटर्न करते एश्योर्ड 4000 रुपये कम से कम ये कंपनी देगी एक पर्टिकुलर पीरियड में। ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोन एक्सचेंज करते हैं आप तो अप टू 9000 रुपीज़ तक आपको रिटर्न मिलता है, और इस फ़ोन के साथ में यदि आप और कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपके और प्रोडक्ट के साथ में। तो ये सारी ऑफर्स हैं, 4-5 ऑफर्स, काफ़ी अच्छी ऑफर्स हैं। अब हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ, स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम, स्पेसिफिकेशन में क्या है। स्पेसिफिकेशन में देख ले तो एंड्रॉयड नॉगेट 7.1.1 का है, 3 GB RAM 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में आता है। इसका एक वेट जो है थोड़ा हाई है, 198 ग्राम का है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतने 2 दिन की बैटरी के लिए आपको इतना वजन उठाना पड़ेगा। 2.5D के साथ में कर्व
कर्व ग्लास है जो कि अच्छी सी दिखती है। बैटरी के बारे में क्या कहने, 5000 10 वॉट का रैपिड चार्जिंग है जो फास्ट हो जाएगा, सारे नेटवर्क्स वगैरह भारत में सपोर्ट करता है। माइक्रो यूएसबी 2.0 है, 3.5 का जैक ऊपर की तरफ दिया गया है फ़ोन के, वाईफाई वगैरह है। सेंसर्स वगैरह मुझे थोड़ा कम लगे हैं, प्रॉक्सिमिटी लाइट, एक्सेलेरोमीटर्स, और इसमें दो कलर है, आयरन ग्रे और फाइन गोल्ड, जैसे आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। एनएफसी की कोई सुविधा नहीं दी गई है, डॉल्बी ऑटमोस का स्पीकर है तो आपको अच्छे खासे साउंड सुनने को मिलेंगे। दो सिम के साथ एक एसडी कार्ड लगा सकते हैं 32 GB तक में, और इसके अंदर वीडियो कैप्चरिंग के बारे में थोड़ा मैंने देखा अच्छी बात नहीं है, इसमें 720 फ्रेम्स पर सेकेंड ही कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट और रियर से, जो कि आपको मतलब फुल एचडी वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते लेकिन फुल एचडी की वीडियो प्ले ज़रूर करेंगे, तो उसके बारे में कोई क्यूरीज ना रहे। और ये सिस्टम इसका जो बता दूँ, हार्डवेयर जो है मीडियाटेक 6737 का क्वाड कोर का ही प्रोसेसर है, बजट को कम रखते हुए 1.3 GHz का इन्होंने क्वाड कोर का, बाकी इस रेंज में आपको ऑक्टा कोर्स के मिल जाएंगे, लेकिन ड्यूएल सिम के चक्कर में मोबाइल थोड़ा सा महंगा हो गया है, और मेटलिक फ्रेम है, बॉडी है, बैटरी नहीं निकलती, उसके चक्कर में एक ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है, मीडियाटेक का प्रोसेसर ख़राब नहीं होता है और अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी ज़रूरत है दो सिम के साथ में एक अलग से एसडी कार्ड चाहिए आपको 32 GB तक, आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि फ़ोन में 32 GB है, और आपको बैटरी चाहिए पावरफुल और टर्बो चार्ज यानी फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छा ऑफर है, शायद ही आपको दोबारा कभी मिले या फिर कोई स्पेसिफिक सेल मिले। तो भैया जी टेक्निकल देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।